नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नलवा। इन 24 न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस के जानलेवा खतरे को देखते हुए जो लॉकडाउन किया गया है, मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि कृपया करके उस लॉकडाउन का पालन करें, अपने लिए और अपने परिवार के लिए और साथ ही साथ पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सबसे मेरी विनती है, कृपया करके इस लॉकडाउन का पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं राज मिश्रा इन 24 के सभी दर्शकों से, हमारे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलिए। लॉकडाउन तोड़ोगे तो आप लॉकअप भी जा सकते हो। और दोस्तों, पूजा करना है घर में करिए, नमाज पढ़ना है घर में पढ़िए, क्योंकि हमारे असली भगवान आप ही की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस फोर्स है, हमारे इंडियन आर्मी है, सभी भगवान आप ही की सेवा में लगे हुए हैं। सो प्लीज़ लॉकडाउन का पालन करिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, थैंक यू। 24 न्यूज़ के तमाम दर्शकों को आरजे आरती सैया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले ही लिखा है कि खुद से बढ़कर कोई रखवाला कहाँ है, खुद से बढ़कर कोई रखवाला कहाँ है, लॉकडाउन सा कहीं ताला कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, हमें खुद ही खुद का रखवाला बनना होगा और इस तरह पूरे देश को बचाना होगा। बस केवल घर में ही तो रहना है। और दोस्तों, क्योंकि मैं गुजराती आरजे हूँ तो गुजराती में संदेश तो जरूर बनता ही है। गुजराती भाइयों, 2021 नी जनगणना मा आववा, 2021 नी जनगणना मा आववा, भीतर थी बंद राखजो घर ना बारणा, ने मुझे कच्ची भा भेणे के, मुझे वडीले के, मुझे मैत्रे के अत्रोज चा, के ज लक्ष्मण रेखा में रोबो, ज लक्ष्मण रेखा में रोबो, तो बेड़ो थियो पार ही चौबो, ज लक्ष्मण रेखा में रोबो त। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ के गोस्वामी। इन 24 के सभी दर्शकों से अपील करता हूँ, आप सब घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। हेल्प पुलिस, हेल्प योरसेल्फ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इन 24 न्यूज चैनल की तरफ से मैं सुरभि सिंह आप सबसे निवेदन करती हूँ कि लॉकडाउन में गवर्नमेंट के सभी नियमों का पालन कीजिए, अपने अपने घरों में रहिए, सेफ्टी से रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही जानलेवा है और इसका कोई भी इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि गवर्नमेंट के इन रूल्स को फॉलो कीजिए और अपने अपने घरों में सेफ रहिए। और हम सब देशवासी आपके साथ हैं और आपके लिए एक 2 लाइन में कहना चाहूँगी, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और इसी के साथ इस जंग को जीत जाइए, हम सब मिलके जीत जाते हैं, आइए ये एक दूसरे से वादा करते हैं और गवर्नमेंट का साथ देते हैं। थैंक यू। मैं प्रोफेसर बीएन राय, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, आईआईटी बीएचयू वाराणसी, इन 24 न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, युवाओं को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस संक्रमण काल में कोरोना महामारी से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए, बताए गए सावधानियों और निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। इस संक्रमण काल से बचने का एकमात्र यही तरीका है कि हम इस चेन ऑफ इन्फेक्शन को रोकें, अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। दुनिया को हस्त व्यस्त करती मनुष्य।